आजकल के जो शिष्य हैं ये हर एक बात को अपने मन अनुसार निकालते हैं। एक महात्मा अपने आश्रम में दो शिष्यों को यही गीता रामायण का ज्ञान दे रहे थे। गुरुजी ने शिष्य को कहा, पुरुषार्थ किया करो, बिना पुरुषार्थ के मानव का जीवन फेल है, बिना पुरुषार्थ के जीवन में क्या रखा है। अंधे को सड़क पार कराओ, प्यासे को पानी पिलाओ, नंगे को कपड़े पहनाओ, ये पुरुषार्थ करो तभी गुरु बनने का शिष्य बनने का लाभ मिलेगा। गुरु की बात को लोगों ने सुना, चार पांच शिष्य बैठे थे, सभी उठ के गुरु जी को प्रणाम करके शपथ लेके गए, गुरु जी आज हम पुरुषार्थ करेंगे, हर हाल में चाहे कुछ भी हो जाए आज पुरुषार्थ करेंगे। तुम्हारे जैसे शिष्य थे कलयुग के, चालाक शिष्य, चालू शिष्य, पुरुषार्थ करने के लिए गुरु की बात मानकर निकल पड़े। अपने घर के सामने एक महिला खड़ी थी, आंखों से अंधी। चारों पांचों शिष्यों ने सोचा कि भाई गुरुजी ने आज पुरुषार्थ की बात कही है, और बेचारी महिला खड़ी है, पुरुषार्थ कर लो आज, भाग्य हमारा, गुरुजी ने आज ही कहा और आज ही मौका मिल गया पुरुषार्थ करने का, पुण्य कमाने का। दो लोगों ने कहा पहले हम करेंगे बाद में तुम करो, सब कर लेना पुरुषार्थ। तो एक ने पैर पकड़ लिया महिला का, दूसरे ने हाथ पकड़ लिया। महिला रोवे चिल्लावे, अरे बदमाश हो, अरे निकम्मो, क्या कर रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो, क्या कर रहे हो। कहा मैया पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, पुरुषार्थ कर रहे हैं हम, पुण्य कमा रहे हैं हम, तुम्हें सड़क पार करा रहे हैं। सड़क के उस पार ले जाके महिला को छोड़ दिया। महिला ने कहा मैं अपने घर पे खड़ी थी, तुम मुझे जबरदस्ती क्यों लाए, मुझे सड़क पार नहीं करनी थी। दो जो बचे थे उन्होंने कहा ले हम भी पुरुषार्थ कर लें, उधर से उठा के फिर उन्होंने वहां रख दिया घर पे ले जाके, माँ को बुआ को। शाम को गुरु जी के पास पहुंच गए। गुरुजी ने पूछा भाई आज क्या हुआ, सुबह का उपदेश सुना, कुछ किया? तो कहा महाराज आपकी कृपा से आज ऐसा आशीर्वाद लगो महाराज के पुरुषार्थ बिल्कुल जाते से ही हो गया, आश्रम से निकले रास्ते में पुरुषार्थ मिल गया और हमने कर लिया पुरुषार्थ। तो कहा क्या पुरुषार्थ किया? तो कहा एक बुढ़िया को हमने आज रोड पार कराया, वो भी अपने कंधों पर बिठा के कराया। दूसरों से कहा तुमने क्या किया? तो कहा हमने भी पुरुषार्थ वही किया जो इन्होंने किया, हमने भी बुढ़िया को कंधों पर बिठा के ही रोड पार करवाया। साधु कहने लगे भाई मेरे शिष्य बहुत अच्छे हैं, मेरे प्रवचन की बात को मान करके आज उन्होंने पुण्य कमा करके आज मेरी आज्ञा को मानकर मुझे खुश कर दिया। इतनी देर में पांचवा आदमी जिसका नंबर नहीं आया था, दो दो तो ले गए, उसने कहा गुरुजी सुनो इनका पुरुषार्थ कैसा है, बुढ़िया अपने दरवाजे पर खड़ी थी, उसको रोड पार नहीं करना था, वो तो दरवाजे पर अपने घर पर खड़ी थी, वो जबरदस्ती इन्होंने उठा के उधर पटक दिया, उन्होंने उठा के फिर इधर पटक दिया, एक ही बुढ़िया को यहां से वहां करते रहे पुरुषार्थ के चक्कर में। मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं ये बताना चाहता हूं कि आज चाल जो चेला, आजकल के जो शिष्य हैं ये हर एक बात को अपने मन अनुसार निकालते हैं। इनको कितना भी कहो पुरुषार्थ करो पुरुषार्थ करो, तो पुरुषार्थ भी ऐसा करेंगे जो अभी आपने सुना ऐसा पुरुषार्थ करेंगे। रेडीमेड होना इनको, फ्री का पुरुषार्थ होना, सेवा दूसरों को बताएंगे और उसके परिणाम बताएंगे, ऐसा करने से ऐसा होता है, ऐसा करने से वैसा होता है। अबे तू किस किस को बता रहा है, तू तो कर कुछ।